नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोहा सिसार का जो VS काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो आपके BVSC AH या VS कोर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो 17 नवंबर से आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपका वेबसाइट पे आ जाएगा शाम को 5 बजे, 17 नवंबर को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, डिपोजिशन ऑफ फीस है और अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है, वो आपकी 23 नवंबर को होगी। इसके लिए आपको वेटनरी ऑडिटोरियम लोहा सिसार में जाना होगा सुबह 9:30 पे 23 नवंबर को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जो वैकेंट सीट्स हैं वो आपकी 26 नवंबर को आ जाएंगी। फिर सेकेंड राउंड है जो आपकी फिजिकल मोड में होगी, इसके लिए आपको 2 दिसंबर को आपका जो वेटनरी ऑडिटोरियम है वहाँ पे जाना होगा लोहा सिसार में, और वहाँ पे आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन और डिपोजिशन ऑफ फीस और सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ 2 दिसंबर को होगी सेकेंड राउंड के लिए। थर्ड राउंड के जो मॉपअप राउंड है उसके लिए जो शेड्यूल है वो बाद में जारी होगा। और सभी के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए 9:30 बजे आपको वेटनरी ऑडिटोरियम कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लोहा सिसार में जाना होगा, ठीक है। और इसमें आप अगर अपनी जो फीस जमा नहीं कराते हैं तो आपकी जो आगे आने वाली काउंसलिंग्स हैं उस टाइम पे अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है और वो डिपॉजिट नहीं करवा पाता है फीस और जितने भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट नहीं करता है, तो आगे आने वाली जितने भी काउंसलिंग्स हैं आपकी फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड मॉपअप राउंड, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, 2 रिसेंटली टेकन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी जब आप लोहा सिसार में जाएंगे तब आपको साथ में लेके जानी है। और जो स्लाइडिंग है विल बी नॉट अलाउड ऑन द सेम डे अलॉटमेंट ऑफ सीट। तो जो सीट्स की स्लाइडिंग है कि एक से दूसरे कोटा में, जैसे स्टेट कोटा से मैनेजमेंट कोटा में या एक से दूसरे कॉलेज में जिस दिन आपकी काउंसलिंग है, जिस दिन आपको अलॉटमेंट हुआ उस दिन आपकी वो अलाउड नहीं होगी। अगर कोई कैंडिडेट है वो किसी पर्टिकुलर कोटा में एडमिशन लेता है लेकिन दूसरे कॉलेज या दूसरे कोटा में शिफ्ट करना चाहता है तो वो आपका अगले आने वाली जो राउंड की काउंसलिंग है उसमें कर सकता है, उनको चांसेस दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है इसमें। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड का शेड्यूल जारी हो चुका है और जो DVLT की कट ऑफ है उसकी रिगार्डिंग हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।